दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक गोकू एनिमी की काफी अमेजिंग कस्टमाइजेशन के बारे में। इस वाले सेटअप को आप किसी भी Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo, OnePlus एंड अदर एंड्रॉइड डिवाइस में भी अप्लाई कर सकते हो। होम स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, गोकू का एनिमी सेटअप है। साथ ही लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो, ये भी एकदम सुपर आपको देखने को मिलती है। अब देखो कंप्लीट वीडियो को एंड तक वॉच करना, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कैसे सेटअप को अप्लाई करोगे। अब देखो सेटअप को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स करना पड़ेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं है। बॉटम में चार आइकन्स ऐड कर लेना और यहाँ पे कुछ इस टाइप से चार आइकन्स को ऐड कर लेना। इसके अलावा जो भी आपने होम स्क्रीन में अप्लाई कर रखा है डिफॉल्ट विजिटर, उसको भी रिमूव कर देना। हम यहाँ पे KWGT एप्लीकेशन का यूज करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, पहले बात कर रहे थे हम Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइस की, उसके बाद बात करेंगे अदर एंड्रॉइड डिवाइस की। तो आपको क्या करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। अब देखो ओपन करने के बाद हम ये वाली थीम यूज़ करेंगे आइकन्स के लिए। अब देखो हो सकता है आपके हाई पर उसमें ये वाली थीम अवेलेबल ना हो, तो आप कोई भी एक डिफरेंट वाइट आइकन वाली थीम यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली ये वाली थीम यूज़ करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड आइकन्स के ऊपर अप्लाई करना है। अब देखो जैसे आप अप्लाई कर दोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अदर एंड्रॉइड डिवाइस की। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है नोवा लॉन्चर, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको टाइप करना है वाइट आइकन्स, काफ़ी सारे फ्री आइकन्स देखने को मिलते हैं, जो भी आपको पसंद आता है सिंपल उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको और डाउनलोड करना है जिसका नेम देखने को मिलता है KWGT कस्टम विजिट मेकर। अब ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे पेड वर्जन देखने को मिलेगा, इसको आप गूगल से या टेलीग्राम से फ्री निकाल सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद तीनों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे। अब देखो नोवा लॉन्चर से कंप्लीट सेटअप कैसे अप्लाई करता है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब आप पहले होम स्क्रीन वॉलपेपर को चेंज कर लेना। तो होम स्क्रीन वॉलपेपर के लिए हम ये वाला वॉलपेपर यूज करेंगे जिसकी क्वालिटी यार काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना एंड सेट होम स्क्रीन वॉलपेपर कर देना। अब देखो जैसे आप इसको सेट होम स्क्रीन वॉलपेपर कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको स्क्रीन के ऊपर जूम इन करना है, विजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे टैप करना है KWGT कस्टम विजिट एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद 1:1 के विजिट को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद इसकी साइज देख लो, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन लेयर में करना है। अब इस विजिट को आप जैसे सेट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको KWGT कस्टम विजिट एप्लीकेशन में थोड़ा सा परमिशन देना होगा, तो आपको इसके ऊपर टैप करके रखना है, एप इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एप परमिशन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे फाइल्स एंड मीडिया वाला फोल्डर देखने को मिलता है, इसको अलाउ कर देना, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है। अब देखो यहाँ पे टैप करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, कौन से विजिट है मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विजिट मिल जाएगी तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। अब जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेते हो अब यहाँ पे आप देख सकते हो CZ59 के नाम से देखने को मिलती है, ये वाले विजिट है एंड इसको आपको ऐड करना है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे साइज थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना, ओवरलैप ग्रुप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पोजिशन को इसको थोड़ा कुछ इस टाइप से प्लस कर देना, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, जैसे आप सेव कर दोगे आपका होम स्क्रीन सेटअप रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का गोकू का एक एनिमी सेटअप देखने को मिलता है, कंप्लीट वाइट एंड ब्लैक सेटअप है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब देखो आप Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइस में लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज करना है, थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना। अब देखो ओपन करने के बाद आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना है जिसका नेम देखने को मिलता है पावर UI। यहाँ पे काफी अच्छा एक विजिट देखने को मिलता है। अब देखो आपको यहाँ पे वॉलपेपर को रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे रिप्लेस करोगे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाली थीम है पावर UI के नाम से देखने को मिलती है। जैसे आप वॉलपेपर को कस्टमाइज कर लोगे कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना एंड लॉक स्टाइल वाले ऑप्शन के ऊपर लॉक स्क्रीन के ऊपर इसको अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके सामने लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी वॉलपेपर काफी ज्यादा सुपर है। तो ट्राई कर सकते हो, एक बहुत अमेजिंग कस्टमाइजेशन है, आपके किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में अप्लाई हो जाएगा। अब इस सेटअप से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।